उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में बाढ़ का लगातार कहर जारी है। यहां पर सवाजपुर तहसील और बिलग्राम तहसील क्षेत्र से निकली राम गंगा व गंगा नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। गांव और स्कूलों में पानी भर जाने के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे और कुछ गांव के लोग अपने आशियाने खुद तोड़कर पलायन कर रहे हैं, जिसके चलते जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने एसडीएम नायाब तहसीलदार समेत स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ पहुंचकर बाढ़ ग्रस्त इलाके का जायजा लिया और बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं को भी सुना है। जिलाधिकारी ने बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि जिन लोगों के घर बाढ़ की चपेट में आने से कट गए हैं, उनके लिए मकान एवं आवासीय पट्टे की व्यवस्था कराई जाए और बाढ़ के पानी में घिरे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने एवं लंच पैकेट राशन किट उपलब्ध कराए। इसमें अरवल ग्राम पंचायत में है, यहाँ कुल 17 मजरे हैं, जिसमें 15 मजरे ऐसे हैं जो प्रभावित हैं। रामगंगा के किनारे हम लोग हैं, रामगंगा का पानी इस समय तेजी से बह रहा है, लेकिन अच्छी बात यह कि रामगंगा का जलस्तर अब घट रहा है, लेकिन गंगा का जलस्तर अभी घट नहीं रहा। वो 21 तारीख के बाद, जैसा सिंचाई विभाग ने मुझे बताया, 21 तारीख के बाद घटने की संभावना है और उसी की वजह से, बैक वाटर की वजह से रामगंगा का जलस्तर अभी घटता हुआ दिख नहीं रहा, बट उसका स्थिर हो गया है। अभी हम लोगों ने जा करके, प्रधान जी भी साथ में थे और भी गांव के स्थानीय लोग थे, हमारे कई विभागों के अधिकारी थे, उन सबके साथ में जाकर के हम लोगों ने विभिन्न मजरों में लोगों से बातचीत की, उनका दुख दर्द पूछा, उनका हालचाल लिया और जो मजरों में रहने वाले लोग हैं उनकी चिकित्सीय व्यवस्थाएं, उनके पशुओं की व्यवस्थाएं प्लस उनके खाद्यान्न की व्यवस्थाओं के बारे में भी मैंने उनसे बातचीत की। कुछ खाने के पैकेट्स भी बंटवाए गए हैं। हमारी व्यवस्था ये है, सुनिश्चित हम ये करा रहे हैं कि जिनके घर प्रभावित हैं, जिनके परिवार प्रभावित हैं, जिनके घर के चारों तरफ पानी लग गया है या उनके घरों में पानी आ गया है, उनको हम व्यवस्थित कर सकें, उनके खाने पीने की व्यवस्था करा सकें, उनके लिए हम किट की व्यवस्था करा सकें और सबसे अच्छी बात यह है कि उनको पेयजल, जो पानी वो पी रहे हैं, उनको आज ये बताया गया, हमारी चिकित्सा विभाग की टीम भी थी साथ में, उनके द्वारा उनको बताया गया, दवा दी गई, क्लोरीन की टेबलेट्स दिए गए हैं, कुछ बुखार के टेबलेट्स दिए गए हैं, कुछ आयरन के सिरप्स वगैरह दिलाए गए हैं, जिससे अगर स्थानीय स्तर पर किसी को अचानक से बुखार हो जाए, सिरदर्द हो जाए, तो वो ठीक कर लें वो लोग दवा के माध्यम से। और पानी जो पेयजल इस समय, क्योंकि पानी पीने से, गंदा पानी पीने से बीमारियां फैलने की आशंका ज्यादा रहती है, तो पानी में एक क्लोरीन का टैबलेट, करीब 10 से 15 लीटर पानी में अगर एक क्लोरीन का टैबलेट वो डाल देंगे तो पानी पीने लायक हो जाएगा। तो ये भी हमारी चिकित्सा विभाग की टीम ने बताया, पशु चिकित्सा विभाग की भी टीम थी, वहाँ के पशुओं के बारे में भी उनसे जानकारी ली है और जो हमारी खाद्यान्न विभाग की टीम है वो खाद्यान्न का वितरण भी लगातार करा रही है। कुल मिला जुला करके पानी तो है, लोगों की मुश्किलें तो स्वाभाविक है, बड़ी हैं, लेकिन हमारा प्रयास ये है कि उन मुश्किलों में हम जा करके उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके साथ में रह सके, उनकी मुश्किलों को कम करने में सहयोगी बन सके और यदि किस तरह की और परेशानी आती है तो हम लगातार उनके संपर्क में रहें और उनके सुख दुख को हम उनके साथ शेयर कर सकें।